शिंदे गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर की तरफ से बड़ा बयान आया, हम नई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम ही असली शिवसेना है। ये दीपक केसरकर की तरफ से बड़ा दावा। हम सभी विधायक शिवसेना के सदस्य हैं, सभी विधायकों ने एक राय से एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है, कार्यकर्ताओं को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गठ अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना, ये न मान्य करना, ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। ठाणे में एकनाथ शिंदे के बेटे के घर पर तोड़फोड़ की गई। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के घर पर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ करने वालों में शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल। बड़ी बात, पुलिस ने नहीं दिखाई कोई सख्ती। क्या महाराष्ट्र के सियासी मैदान में अब हिंसक संग्राम की तैयारी हो रही है? शिवसेना और उससे बगावत कर चुके नेताओं की बोली ने कुछ ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि अब दोनों तरफ के समर्थक सड़कों पर उतरकर बवाल काटने लगे हैं। ठाणे के उल्हासनगर इलाके में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर को शिव सैनिकों ने निशाना बनाया। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के आक्रोश के आगे वो भी कमजोर नजर आए। रायगढ़ से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। यहां पर शिंदे सहित बागी विधायकों के पुतले फूंके गए। इससे पहले ठाणे में बागी विधायक एकनाथ शिंदे के आवास के सामने शिवसेना कार्यकर्ता जमा हुए। दोनों गुट की ओर से सड़क पर उबल रहे गुस्से के बीच आज धनकवाड़ी से एक अलग तस्वीर सामने आई। पुणे में एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय पर शिव सैनिकों को तोड़फोड़ करने के बाद धनकवाड़ी के दफ्तर में तानाजी सावंत के समर्थकों ने गुलाब के फूल बिछा दिए। यहां आए कार्यकर्ताओं ने तानाजी के समर्थन की बात की और पुणे में घटना पर शिवसेना कार्यकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया। विधायक बागी क्यों हुए हैं? क्योंकि सभी एक तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। शिंदे के साथ 40 विधायक हैं। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा, शिवसेना का झंडा बता रहा है कि हम सभी शिवसेना है। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा, साहेबांना ते फक्त सांगत होते की आज यांच्या बरोबर 2.5 वर्षांमध्ये आपला पक्ष जो आहे तो वाढलेला नाहीये, फक्त खाली गेला आहे। फक्त शिवसेनेला दाबण्याचं काम जे ते या ठिकाणी या दोन्ही पक्षांमधून आणि खास करून या राष्ट्रवादीकडून झालं, तर याच्यामध्ये कुठे वाईट आहे? पक्ष वाढला पाहिजे। प्रत्येक कार्यकर्ता मला वाटतं, प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला वाटतं, शिव सैनिकों के आक्रोश के चलते महाराष्ट्र में अलर्ट है। पुलिस ने ठाणे शहर में धारा 144 लगा दी है। ठाणे शहर से ही एकनाथ शिंदे विधायक है। ठाणे और आसपास का इलाका शिंदे का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र का सियासी संकट गर्म होता जा रहा है। शिव सैनिकों के आक्रोश के चलते महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने ठाणे शहर में धारा 144 लगा दी है। तनाव को देखते हुए किसी को भी लाठी या हथियार रखने की इजाजत नहीं है। वहीं पोस्टर और पुतला जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। किसी भी तरह की रैली, जनसभा करने और नारेबाजी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ठाणे शहर में शराबबंदी का भी आदेश जारी किया गया है। ठाणे के ग्रामीण इलाकों में भी शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया कि अगर किसी के पास लाठी, डंडा, तलवार, भाला, बंदूक, चाकू या पत्थर जैसी चीजें मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
30 जून तक इस आदेश का पालन करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ठाणे वही इलाका है जहां से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे विधायक हैं। ठाणे और उसके आसपास के इलाकों को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। उधर मुंबई में पहली बार एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। ये बैनर मराठा युवा महाराष्ट्र परिषद ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगाया। इन तस्वीरों से महाराष्ट्र में सियासी तनाव और टकराव बढ़ता दिख रहा है।